नमस्ते बच्चों, आप लोग ज्वाइन कर जाइए पहले, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूड से तो सवाल पढ़ लीजिए। कह रहे हैं, सिलेंड्रिकल वेसल कंटेन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू हाइट एच। लिक्विड इज क्लोज्ड बाई ए पिस्टन ऑफ मास एम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। देयर इज ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द वेसल, द स्पीड वी विद विच द लिक्विड कम्स आउट ऑफ द होल। कह रहे हैं, कितनी स्पीड से यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा। तो याद करिए, हमने आपको सिखाया था कि अगर आइडियल फ्लूड है तो आप यहाँ पर एक फ्री सरफेस पे एक पॉइंट ले लीजिए और एक पॉइंट इस ऑरिफिस के जस्ट बाहर ले लीजिए, टू पॉइंट, और वन पॉइंट और टू पॉइंट के बीच में हम लगाएंगे बर्नौली थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं लिखूंगा एनर्जी एट पॉइंट वन इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट टू, राइट। तो बताओ, वन पॉइंट पर जो प्रेशर एनर्जी होगा, एक तो ऊपर से पीएटीएम होगा, पीएटीएम प्लस बताओ पिस्टन का मास है एम, तो एम जी अपॉन एरिया, ये वाला प्रेशर भी आएगा। तो ये वन पॉइंट का प्रेशर हो गया पीएटीएम प्लस एम जी अपॉन ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बताओ यहाँ से एच हाइट, तो रो जी एच, और यहाँ काइनेटिक होगा जीरो, और टू पॉइंट पर यहाँ पे जब पहुँचेगा तो प्रेशर होगा पीएटीएम प्लस पोटेंशियल होगा जीरो, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन पर है, और काइनेटिक हो जाएगा हाफ रो बी स्क्वायर, हाफ रो बी स्क्वायर। तो हमने वन पॉइंट और टू पॉइंट के बीच में बर्नौली थ्योरम लगाया, पीएटीएम पीएटीएम कैंसिल। यहाँ से ज़रा देखिए, हमको वी निकालना है, तो बताओ अगर हम टू से मल्टीप्लाई कर दें तो एम जी अपॉन रो ए प्लस रो से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आया टू जी एच, तो यहाँ पे जी एच बच रहा है केवल, और ये आ जाएगा रूट के अंदर, और ये आ गया हमारा फ्लो वेलोसिटी। तो रूट के अंदर टू टाइम्स जी एच प्लस एम जी वाई रो ए आंसर हो जाएगा सेकंड, राइट। क्लियर एकदम से? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्वेश्चन नंबर टू में कह रहे हैं, कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड आर अल्फा वन एंड अल्फा टू, लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील आर एल वन एंड एल टू रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं, एल टू माइनस एल वन इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर। तो बताओ क्या मतलब इसका। कह रहे हैं, सेकेंड रॉड का लेंथ माइनस फर्स्ट रॉड का लेंथ का जो डिफरेंस है ये कॉन्स्टेंट रहना है, एल टू माइनस एल वन कॉन्स्टेंट रहना। तो ये कॉन्स्टेंट तभी हो पाएगा अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी एल टू अपॉन डी टी टेम्परेचर के साथ माइनस डी एल वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हुआ डी एल टू इज इक्वल टू होना चाहिए डी एल वन, यानी डेल्टा एल टू बराबर होना चाहिए डेल्टा एल वन, डेल्टा एल टू बराबर होना चाहिए डेल्टा एल वन, राइट। अब बताओ यहाँ से डेल्टा एल टू होगा एल टू अल्फा टू डेल्टा टी, ये होगा एल वन अल्फा वन डेल्टा टी, डेल्टा टी दोनों तरफ से कट हुआ तो एल वन अल्फा वन बराबर एल टू अल्फा टू आंसर आ गया, एल वन अल्फा वन इज इक्वल टू एल टू अल्फा टू। तो ये आंसर बताइए थर्ड हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। और तुम इसको कॉमन सेंस से भी समझ सकते थे, दो रॉड का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होना है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाए तो एक रॉड अगर 5 सेंटीमीटर बढ़े तो दूसरा रॉड भी 5 सेंटीमीटर बढ़े, तभी डिफरेंस क्या रहेगा कांस्टेंट। तो डिफरेंस कांस्टेंट तभी होगा जब टेम्परेचर बदलने पर दोनों रॉड में एक्सपेंशन का जो अमाउंट है वो इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, ये जो ग्राफ दिया गया है स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस दिया है। तो बताओ, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस
बराबर यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन, ये हमने पढ़ रखा है, स्ट्रेस इक्वल टू यंग मॉडुलाई इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस बराबर वन अपॉन यंग मॉडुलाई आएगा, और स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस होगा स्लोप, तो ये एंगल हुआ थीटा। तो बताओ सबसे कम स्लोप जिसका होगा उसके लिए वन अपॉन यंग मॉडुलस सबसे कम होगा। तो बताओ स्लोप सबसे कम आर का है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्लोप देखिए आर के लिए सबसे कम, उसके बाद स्लोप क्यू के लिए उससे ज़्यादा, और स्लोप पी के लिए सबसे ज़्यादा दिख रहा है। तो बताओ ये हमारा स्लोप लिखा है बेटा, अगर स्लोप हमारा आर के लिए सबसे कम है तो यंग मॉडुलाई आर के लिए सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद यंग मॉडुलाई क्यू के लिए, उसके बाद यंग मॉडुलाई पी के लिए। और बताओ अगर यंग मॉडुलस जिसका ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ अगर यंग मॉडुलस जिसका ज़्यादा समझिए, तो सेम स्ट्रेन डेवलप करने के लिए, सेम स्ट्रेन डेवलप करने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए, यानी ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यंग मॉडुलस अगर ज़्यादा है, यंग मॉडुलस अगर मोर, इसका मतलब मोर स्ट्रेस इज नीडेड टू क्रिएट सेम अमाउंट ऑफ स्ट्रेन। तो सेम स्ट्रेन क्रिएट करने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेस चाहिए, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ आर का सबसे ज़्यादा होगा, आर का टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, राइट। देखिए जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा, सेम स्ट्रेन सेम एलोंगेशन के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उस मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं द प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन ऑन ए क्यूब इज पी। बताइए किसी क्यूब को हर तरफ से पी प्रेशर से दबाया जा रहा है, हाउ मच इट्स टेम्परेचर शुड बी रेज टू मेंटेन द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो कह रहे हैं ओरिजिनल वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए हमें उसका कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, वॉल्यूम इलास्टिसिटी यानी बल्क मॉडुलस बीटा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अल्फा है। तो ध्यान दीजिए आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम स्ट्रेस प्रेशर बराबर माइनस बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा बी अपॉन बी, ये होता था। तो अगर हम बात करें इसका मॉडुलस ले लें तो ये बताओ मॉडुलस बीटा डेल्टा बी अपॉन बी, हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो बताओ डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई, पी अपॉन बीटा। अब देखो डेल्टा भी है वॉल्यूम में कंप्रेशन, तो वॉल्यूम जो कम हुआ उसके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो डेल्टा भी होगा वी गामा, गामा की जगह देखो अल्फा लिखा है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट अल्फा दिया है, तो गामा की जगह अल्फा डेल्टा टी अपॉन वी बराबर पी अपॉन बीटा बल्क मॉडुलस। तो यहाँ से बताओ वी कट गया, हमको डेल्टा टी निकालना है, तो ये आएगा पी अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये आंसर हो जाएगा पी अपॉन अल्फा बीटा, राइट। तो पी अपॉन अल्फा बीटा इसका मतलब हुआ कि आंसर हमारा फर्स्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं ए मेटल वायर इज फर्स्ट स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट एंड देन रिलीज। तो जब हम इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा एलोंगेट कर देंगे और फिर हम छोड़ेंगे तो वो मेटल अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं आ पाएगा। हाँ वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन उसकी जो लेंथ रहती है वो नेचुरल लेंथ से ज़्यादा होती है, क्योंकि मामला जो इलास्टिसिटी की लिमिट है उसके आगे चला गया। अगर हम बियॉन्ड द इलास्टिसिटी उसको एलोंगेट करेंगे और फिर छोड़ेंगे तो जो मटेरियल है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
लेकिन उसकी जो फाइनल लेंथ होगी वो इनिशियल लेंथ नेचुरल लेंथ से ज़्यादा होगी। तो आंसर होगा विल कॉन्ट्रैक्ट बट फाइनल लेंथ विल बी ग्रेटर देन ओरिजिनल लेंथ, यानी वो मटेरियल दोबारा से नेचुरल लेंथ में लौट नहीं पाएगा, कुछ लेंथ ज़्यादा ही होगी, राइट? ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो 6 नंबर क्वेश्चन है बेटा, इसमें यहाँ पर ये 1.0 कर लीजिए आप, 1 point, यानी 1 × 10⁻¹० और जो दूसरा मटेरियल है स्टील का उसका यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻¹० ये 1 × 10⁻¹० और ये 2 × 10⁻¹० ए ब्रांस वायर एंड स्टील वायर ऑफ द सेम लेंथ आर एक्सटेंडेड बाय 1 mm अंडर द सेम फोर्स, बताओ दोनों पर फोर्स बराबर है, तो कह रहा था रेडियाई ऑफ द ब्रास एंड स्टील वायर, तो बताओ भाई आपने पढ़ रखा है स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो बताओ ये होगा फोर्स, सेम फोर्स लगाया, ये एरिया ब्रास का, यंग मॉडुलस बताइए ब्रास मटेरियल का 1 × 10⁻¹० स्ट्रेन बताओ डेल्टा एल अपॉन एल, दोनों की इनिशियल लेंथ बराबर है और डेल्टा एल दोनों में बराबर रखा गया है, 1 mm खींचा गया दोनों को बराबर, तो देखना फोर्स दूसरे में भी बराबर, एरिया स्टील का बराबर 2 × 10⁻¹० और ये स्ट्रेन बताओ डेल्टा एल वाई एल बराबर है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इसे नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 1, इसे नाम दे दो क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं करने जा रहा हूँ इक्वेशन 2/1, इक्वेशन 2 में हम 1 से डिवाइड करें तो ये एरिया ब्रास का ऊपर और एरिया स्टील का नीचे, एरिया ब्रास का ऊपर हो गया स्टील का नीचे हो गया, और बताओ एरिया ब्रास का अगर ऊपर ये बताओ 2 × 10⁻¹० अपॉन 1 × 10⁻¹० ये कट गया बेटा, तो ब्रास का एरिया क्रॉस सेक्शन पाई रेडियस ब्रास का स्क्वायर, ये पाई रेडियस स्टील का स्क्वायर बराबर 2, पाई से पाई कटा, तो रेडियस ब्रास मटेरियल अपॉन रेडियस स्टील इज इक्वल टू √2 आएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जरा बताइए रेडियस स्टील का जो आ रहा है वो ब्रास मटेरियल का रेडियस अपॉन √2, तो आंसर हमारा सेकंड आंसर, राइट? क्लियर है? ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेवन नंबर में कह रहे हैं हमसे ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलाई वाई, इफ द वायर इज स्ट्रेस्ड बाय एन अमाउंट एक्स वर्क डन इज, बताओ भाई किसी भी वायर को ये नेचुरल लेंथ है मान लो वायर की एल और हमने इसको नेचुरल से कितना खींच दिया है एक्स, यहाँ से एक्स खींच दिया, ऐसा करने में वर्क पूछा है, तो वर्क डन बाय एजेंट आपने पढ़ा होगा ये आएगा यू स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और हमने आपको क्लास में पढ़ाया था कि रॉड को भी हम एक स्प्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी हाफ के रॉड का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर आएगा। अच्छा याद करो रॉड का जो स्प्रिंग कांस्टेंट था वो था यंग मॉडुलाई एरिया क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ इनटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा हमारा डब्ल्यू एजेंट और यही बराबर होगा यू स्टोर्ड के, तो हाफ वाई ए बाई एल इनटू एक्स स्क्वायर, एकदम आसान है, कोई डाउट? आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन में कह रहे हैं ए लेड सॉल्ट ऑफ 1 mm डायमीटर फॉल थ्रू ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन, द वेरिएशन ऑफ इट्स वेलोसिटी वी विद डिस्टेंस कवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, बताओ भाई ग्लिसरीन में
कोई भी बॉडी नीचे आ रहा है, वेरिएशन ऑफ इट्स वेलोसिटी वी विद डिस्टेंस पूछा है, तो बताओ भाई अगर ग्लिसरीन में नीचे आ रहा तो विस्कस फोर्स ऊपर लगेगा, तो एच के साथ पूछा है उसकी स्पीड को, तो बताइए अगर ये जीरो वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो ये बताओ जैसे जैसे नीचे आ रहा होगा तो बताओ ये एक्सलरेट करके आ रहा होगा। अब ये एक्सलरेशन कैसे निकलेगा, तो जब ये ग्लिसरीन में आ रहा होगा तो नीचे लग रहा होगा एम जी, ऊपर लग रहा होगा विस्कस फोर्स, लेकिन ज़्यादा फोर्स एम जी है तो एक्सलरेट नीचे कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि एच नीचे आने पर इसकी स्पीड बताइए, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस की जगह एच, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एच। तो हमको वेलोसिटी को दिखाना है वाई पर और एच को दिखाना है एक्स पर, तो ये देखो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ बनने जा रहा है, यानी ये ग्राफ है पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स, प्रोपोर्शनलिटी में ये फोर ए कॉन्स्टेंट, तो ये ग्राफ आएगा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स ओपनिंग राइट साइड, ये ग्राफ आएगा। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही आसान सवाल है सर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फॉर ए कॉन्स्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस का मतलब हो गया लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आएगा उसकी वजह से स्ट्रेस, फ्रैक्शनल चेंज इन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम डेल्टा पी वाई बी एंड बल्क मॉडुलस, तो आपने पढ़ रखा है डेल्टा पी बराबर माइनस बल्क मॉडुलस इंटू वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा पी वाई बी। यार ये कॉन्स्टेंट कहा गया है डेल्टा पी, ये हमारा स्ट्रेस है, और ये बताओ माइनस बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा पी वाई बी, तो बताओ डेल्टा पी वाई बी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बल्क मॉडुलस, तो डेल्टा पी वाई बी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन बल्क मॉडुलस राइट। हटा दें 10 नंबर, कह रहा प्रेशर हेड इन बर्नौलीज इक्वेशन, याद करो बर्नौली में आइडियल फ्लूइड के लिए हम लोग तीन तरीके की एनर्जी पढ़ते हैं, एक प्रेशर एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, और एक काइनेटिक एनर्जी हाफ रो बी स्क्वायर। तो सुनिए अब ध्यान से, प्रेशर हेड हम किसको कहते हैं, तो जो प्रेशर हेड होता है वो होता है पी अपॉन रो जी, जो पोटेंशियल हेड होता है, जो पोटेंशियल हेड होता है वो होता है यू अपॉन रो जी यानी एच, और जो काइनेटिक हेड होता है, काइनेटिक हेड या जिसे वेलोसिटी हेड भी कहते हैं, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी अपॉन रो जी, तो ये होगा v स्क्वायर अपॉन 2g। तीन तरीके के हम लोग हेड पढ़ते हैं, तो प्रेशर हेड हमारा होगा p अपॉन रो जी, ये आंसर होगा राइट। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे, आपको 10 सवाल हमने कराए हैं राइट। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बातचीत करते हैं।